हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है आइकन स्टाइल चेंज कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, मैगजीन, आप इस पर क्लिक करें। और आपको सबसे नीचे दिखेगा इधर सेट आइकन स्टाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आइकन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो आइकन स्टाइल की जो शेप्स होते हैं आपके ऐप के, वो चेंज होंगे इस प्रकार से। जैसे कि इस बार आप ये वाला सेट करना चाहते हैं एंड आप इस प्रकार से भी सेट कर सकते हैं, जो मतलब कि साइड में ऑनलाइन ना हो, सिर्फ ऐप हो, और चाहे तो इस प्रकार से और या फिर इस प्रकार से। फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से सेट कर रखी हूँ और यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। एंड में सबसे छोटा करके दिखा देती हूँ, और ये अंदर का भी सबसे छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कितने छोटे छोटे ऐप हो गए हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं अब जैसे कि इसको हटाना चाहते हैं और इसके बाद सेटिंग को ओपन करेंगे। और इसके बाद आपको फिर से होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, मैगजीन पे क्लिक करना है। फिर सेट आइकन स्टाइल पर क्लिक करें और इनमें से मैं ये ले लेती हूँ। और इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और पर ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। और इसके बाद ओके अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आपका जो ऐप है वो बड़े बड़े हो गए हैं। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।